गोविंद नगर पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों युवक देखने में तो मासूम से लगते हैं, लेकिन इन युवकों की हिम्मत भरी करतूतों के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इनमें से एक ग्राम दतिया थाना हाईवे का रहने वाला धर्मेंद्र तो दूसरा वृंदावन का रहने वाला ग्वाला है। पकड़ा गया धर्मेंद्र अपने ही जैसे युवाओं का गिरोह बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इसी छात्र ने मथुरा के अलावा अलीगढ़, आगरा, हाथरस समेत अनेक शहरों में 12 से भी ज्यादा लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। मंगलवार की रात भी धर्मेंद्र और उसका साथी गोविंद नगर इलाके में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से विभिन्न लूट की वारदात के 1,00,000 रुपए की रकम भी बरामद की है। पुलिस को इनके दो साथी अंकुर पंडित और अमित उर्फ छोटू निवासी घिया मंडी की तलाश है। इस संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसपी देहात और सीओ सिटी प्रीति सिंह ने जानकारी दी। सर बताया कि थाना गोविंद नगर पुलिस को क्या समस्या है? एसएसपी महोदय के नेतृत्व में और सीओ सिटी महोदय के निर्देशन में जो वांछित अपराधियों का या सातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे थे, उसी अभियान के तहत ये गोविंद नगर पुलिस भी भ्रमण पर थी। इसी के साथ में ये जो आपके सामने सातिर लुटेरे हैं धर्मेंद्र और ग्वाला, ये लूट करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके पास से 5,610 रुपया और एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे लूट किए थे वो भी मौके पर था। जनता के सहयोग से पुलिस ने गश्त के दौरान इनको पकड़ा और इनसे बरामदगी हुई है। इन्होंने लूट के कई अन्य मामले भी स्वीकार किए हैं जो आपको इसमें दिए गए हैं। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। धर्मेंद्र पर तो 20-22 मुकदमे लूट आदि के हैं, जो ये अंतर्राज्यीय किस्म के लुटेरे हैं, और जो ग्वाला है इस पर भी एक मुकदमा है। इसके दो साथी फरार हुए, अंकुर और अमित, जिनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है।